नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है खूनी झील का अभिशाप, सूरजकुंड की भयानक सच्चाई। यह कहानी आपको ले जाएगी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड क्षेत्र में स्थित उस झील के पास जिसे लोग खूनी झील के नाम से जानते हैं। इस झील से जुड़ी है एक भयानक कहानी जो हर साल 3 लोगों की जान लेती है। तो तैयार हो जाइए इस झील के रहस्यमय और डरावने सफर के लिए। खूनी झील का अभिशाप, सूरजकुंड की भयानक सच्चाई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड क्षेत्र में स्थित एक झील है जिसे स्थानीय लोग खूनी झील के नाम से जानते हैं। इस झील को लेकर ऐसी कई भयानक कहानियां प्रचलित हैं जिनसे हर कोई डरता है। इस झील को लेकर कहा जाता है कि यह हर साल 3 लोगों की जान ले लेती है और इसलिए इसे खूनी झील कहा जाता है। इस झील के बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि यह अभिशापित है। आज हम आपको इसी झील के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को कंपा देगी। इस कहानी में झील का भयानक सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। यह कहानी 2010 की है। अंशुल, उसके दोस्त राहुल, प्रियंका और सीमा चारों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र में एक पिकनिक का आयोजन किया। शहर की भागदौड़ से दूर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसी इस जगह के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। उन्होंने इस पिकनिक को एक अद्भुत अनुभव बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। चारों ने अपने बैग पैक किए और सूरजकुंड की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। सूरजकुंड पहुंचने के बाद चारों दोस्त झील की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें स्थानीय लोग मिले जिन्होंने झील के पास जाने से मना किया। उन्होंने बताया कि वह झील अभिशापित है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। वे झील के किनारे पहुंचे। झील का नीला पानी और उसके चारों ओर फैली हरियाली देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। प्रियंका और सीमा ने झील के पानी में अपने पैर डाल दिए और उसकी ठंडक का आनंद लेने लगी। अंशुल और राहुल वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेने लगे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, झील के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई और झील के पानी में हलचल शुरू हो गई। प्रियंका ने महसूस किया कि झील के पानी में कुछ अजीब है। उसने तुरंत अपने पैर पानी से बाहर खींच लिए और बाकी दोस्तों को भी सतर्क किया। राहुल ने मजाक में कहा, शायद यहां कोई भूत है, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही एक चीख में बदल गई। झील के पानी से एक अजीब सी परछाई उभरने लगी। पहले वह परछाई अस्पष्ट थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक इंसानी आकार लेने लगी। अंशुल, प्रियंका और सीमा इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। राहुल उस परछाई को देखने के लिए झील के करीब जाने लगा। अंशुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे धकेल दिया और पानी के और करीब चला गया। जैसे ही वह झील के किनारे पर पहुंचा, वह परछाई पूरी तरह से एक इंसानी रूप में बदल गई। यह एक औरत की परछाई थी जो झील के पानी से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रियंका ने जोर से चीख मारी और पीछे हट गई। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया था। अंशुल ने राहुल को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वह परछाई राहुल के सामने आ खड़ी हुई। उसकी काली आंखें राहुल को घूर रही थीं और अचानक उसने अपने बर्फीले हाथ राहुल की गर्दन पर रख दिए। राहुल की चीख हवा में गूंज गई। वह झील के पानी में खींचा जा रहा था
और उसके दोस्त कुछ भी करने में असमर्थ थे। वह महिला की परछाई राहुल को झील की गहराई में खींचने लगी। अंशुल, प्रियंका और सीमा डर के मारे भागने लगे, लेकिन वे जानते थे कि वे अपने दोस्त को नहीं बचा सकते। राहुल की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और कुछ ही पल में वह पूरी तरह से झील के पानी में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ झील के पानी में हलचल बची थी। अंशुल, प्रियंका और सीमा किसी तरह सूरजकुंड से वापस दिल्ली लौट आए। उन्होंने राहुल की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक हादसा मानकर मामले को बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने इसे खूनी झील के अभिशाप का परिणाम बताया। यह झील हर साल 3 लोगों की जान लेती है और इस बार वह बदकिस्मत राहुल था। लेकिन अंशुल, प्रियंका और सीमा जानते थे कि उन्होंने जो देखा वह एक हादसा नहीं था, वह झील वाकई में अभिशापित थी। अंशुल, प्रियंका और सीमा इस घटना के बाद सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके मन से उस भयानक दिन की यादें मिट नहीं रही थी। वे जानते थे कि इस झील में कुछ ऐसा था जो समझ के परे था। कुछ महीनों बाद वे तीनों फिर से मिले और फैसला किया कि उन्हें इस अभिशाप को खत्म करना होगा। उन्होंने झील के पास के एक मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने उन्हें बताया कि यह झील एक पुराने श्राप के कारण भयानक हो गई थी। कहानी के अनुसार सदियों पहले यहाँ एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम श्यामा था। श्यामा को गांव के सरपंच के बेटे से प्यार हो गया था, लेकिन जब यह बात सरपंच को पता चली तो उसने दोनों को अलग करने की कोशिश की। उसने अपने बेटे को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया और श्यामा को झील के किनारे एक पेड़ से बांधकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। श्यामा की मौत के बाद उसकी आत्मा ने इस झील में शरण ली और यह झील अभिशापित हो गई। हर साल यह झील 3 लोगों की जान ले लेती है और श्यामा की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। पुजारी ने अंशुल, प्रियंका और सीमा को बताया कि उन्हें श्यामा की आत्मा की मुक्ति के लिए झील के पास एक विशेष पूजा करनी होगी। वे तीनों इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। अगली पूर्णिमा की रात वे पुजारी के साथ झील के पास पहुंचे। वहां उन्होंने श्यामा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। जैसे ही पूजा खत्म हुई झील के पानी में हलचल होने लगी। श्यामा की परछाई फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने अंशुल, प्रियंका और सीमा को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे झील के पानी में विलीन हो गई। अंशुल, प्रियंका और सीमा ने राहत की सांस ली। अब झील के अभिशाप का अंत हो चुका था। आज भी सूरजकुंड की यह झील वही है, लेकिन अब इसे खूनी झील नहीं कहा जाता। अब यह झील पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत स्थान बन गई है जहां लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन जो कोई भी इस झील की पुरानी कहानियों के बारे में जानता है वह इसे कभी भूल नहीं सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। कभी कभी हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है जैसे वे हैं। तो दोस्तों, यह थी खूनी झील का अभिशाप की कहानी। इस झील की भयानक सच्चाई ने हमारे किरदारों को किस तरह से प्रभावित किया और किस तरह से उन्होंने इस अभिशाप का अंत किया, यह जानकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। धन्यवाद।